Welcome back to Update Yourself. Now we are Madhu and in this video we are going to discuss about ICICI Bank FD. So आज के इस वीडियो में हमने ICICI Bank के द्वारा लॉन्च की गई एक यूनिक FD के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसे ICICI Bank ने नाम दिया है FD Extra. तो यहाँ पर अभी तक आप जो भी FD के बारे में सुनते आ रहे होंगे, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते थे, मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाने के बाद में आपका अमाउंट रिटर्न कर दिया जाता था विद इंटरेस्ट. पर यहाँ पर आप जब कोई FD कर रहे हो तो FD के साथ आपको सिर्फ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है, एक्स्ट्रा एडिशनल फैसिलिटी. इसीलिए इसका नाम रखा गया है FD एक्स्ट्रा और ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया है 2019 में बजट आने के बाद में. जैसा कि आपको पता है कि जब बजट आया तो सबसे बड़ा जो चेंजेस FD में किया गया था वो ये चेंजेस किया गया था कि अभी तक FD पर आपको एनुअली इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज़्यादा का मिलता था तो उस पर आपका TDS लगता था. बट ईयर 2019-20 के बजट में बहुत अच्छी फ्लैक्सीबिलिटी दे दी गई है कि अब FD पर आपका एनुअली 40,000 तक इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर आपको कोई भी TDS नहीं लगेगा. मीन्स आप 5,00,000 तक की FD पे मिलने वाले इंटरेस्ट को टैक्स फ्री गेट कर सकते हैं, जबकि पहले 1,50,000 तक के FD आप करते थे उस पर भी अगर 8% के अकॉर्डिंग आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता था तो 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट होने पे आपको टैक्स लगता था. तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट FD इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया था. तो ये जो चेंजेस किया गया, इस चेंजेस के बाद से लोगों ने FD में इन्वेस्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया. इस इंटरेस्ट को देखते हुए ICICI बैंक ने बहुत ही यूनिक FD लॉन्च करी है, क्योंकि अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो और अगर वहाँ पर आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते तो डेफिनेट सी बात है कि आप FD में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे. तो यहाँ पर ICICI बैंक ने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है और ये इस फिक्स डिपॉजिट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए गए, इसीलिए इसे FD एक्स्ट्रा कहा गया है और इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये 3 वेरिएंट और क्या है इसके इंटरेस्ट रेट, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके एडिशनल फीचर्स है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ICICI बैंक ने 3 वेरिएंट में अपनी FD एक्स्ट्रा को लॉन्च किया है. सबसे पहला है FD लाइफ, सेकेंड है FD इन्वेस्ट एंड थर्ड है FD इनकम. तो ये 3 वेरिएंट में ICICI बैंक ने FD एक्स्ट्रा को लॉन्च किया है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी 1x1 करके तीनों में क्या डिफरेंट और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल की गई है. सबसे पहले हम बात करते हैं FD लाइफ के बारे में. FD लाइफ, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइफ मतलब इंश्योरेंस. तो यहाँ पर ICICI बैंक ने एक FD लॉन्च की जिसका नाम रखा गया है FD लाइफ. अगर आप FD लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 ईयर तक का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा. इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी रखी गई है. आप FD लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 ईयर के लिए अपनी FD में इन्वेस्ट करना होगा. कम से कम जो इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख का होगा, पर कोई लिमिट नहीं है. ओके, और यहाँ पर ये जो FD लाइफ है ये वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी एज 18 to 50 ईयर, मीन 18 से 50 साल के बीच में वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आप चाहे तो 2 ईयर्स के बाद में आप अपनी FD लाइफ को रिन्यू करवा सकते हैं 2nd ईयर के लिए. तो यहाँ पर ये फर्स्ट वेरिएंट है इसका FD लाइफ, जिसे आपको 1 ईयर का टर्म इंश्योरेंस फ्री मिलता है. बट ये इंश्योरेंस आपका ICICI की प्रूडेंशियल लाइफ में ही होता है. ओके, तो ये था इसका फर्स्ट वेरिएंट ICICI FD लाइफ. सेकेंड वेरिएंट है ICICI FD इन्वेस्ट, ICICI FD इन्वेस्ट. तो चलिए देखते हैं ये क्या है. आप ICICI FD इन्वेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कम से कम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा और ये इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपको कराना होगा. यानी यहाँ पर कंडीशन है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 1 ईयर के लिए. इसमें होता क्या है कि आपका जो भी FD पे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपका SIP के थ्रू ICICI की प्रूडेंशियल ICICI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वहाँ से जो भी अर्निंग होती है वो आपको दे दी जाती है. बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने जो भी अपने FD इन्वेस्टमेंट करा है 5 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, वो एकदम सिक्योर रहता है, कोई भी टच नहीं होता, वो आपका म्यूचुअल फंड में नहीं लगाया जाता है. यहाँ पर सिर्फ आपके इंटरेस्ट से ही म्यूचुअल फंड में एज ए सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता है. तो यहाँ पर आप FD के साथ साथ अपना अमाउंट तो सिक्योर रख ही सकते हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. मीन्स यहाँ पर अभी तक आप ये जो ELSS देखते थे जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट प्लस इन्वेस्टमेंट मिलता था, वो इसी तरह का कुछ ही समझ लीजिए FD इन्वेस्ट कुछ इसी तरह का है, जहाँ पर आपको FD प्लस इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है.
इसका थर्ड वेरियंट है एफडी इनकम। मींस आप अगर अपनी कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हो और आप मुझे ऐसे इनकम, उसका जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है, आप मुझे ऐसे इनकम फिक्स करवाना चाहते हो तो वो भी करा सकते हैं। वो कैसे, जो आपका अमाउंट मैच्योर हो जाता है तो आप उसे ले लेते हैं, बट यहाँ पर आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं एफडी इनकम। जब आप एफडी इनकम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके अमाउंट को आपको मंथली बेसिस सैलरी पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ऐसा भी होता है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए आपका अमाउंट मैच्योर हो गया, अब आपको कुछ लमसम अमाउंट की भी जरूरत है, बट आप ये भी चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम भी फिक्स हो जाए, तो आप यहाँ से 30% मैच्योर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी के 70% को एज ए इनकम, मंथली इनकम फिक्स करवा सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड आई थिंक 1 लाख इज वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, कम से कम 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट तो आप सभी लोग एफडी में करते हैं। तो अगर आप कम से कम इन्वेस्टमेंट एफडी में कराना चाहते हैं तो आप एफडी इनकम को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एफडी एक्स्ट्रा में एक फैसिलिटी और दी जाती है, जिसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। मीन्स यहाँ पर अगर आप अपनी एफडी कराते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जाता है, बट इसके लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ के लिए अपनी एफडी करानी होती है, और एफडी की जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो 10,000 की रहती है। तो यहाँ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है वो एक तरीका का सिक्योर लोन ही मान लीजिए, आप सिक्योर लोन टाइप का आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपकी एफडी अमाउंट को सिक्योर रखकर उसके एवरेज में आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एफडी एक्स्ट्रा, ये ICICI बैंक ने लॉन्च की है, एंड आई थिंक हमारे इंडिया में पूरी कंट्री में ये पहली एक ऐसी एफडी है जिसे ICICI बैंक ने लॉन्च किया इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो प्लीज शेयर माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिया, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, इससे ऐसे वीडियोज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। हैव अ गुड डे।